सभी भक्तों को राधे राधे, लाडली लाल की जय हो, विश्वभान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, बरसाने वारी की सदा ही जय जयकार हो। जय हो मेरी राधा रानी की, राज राजेश्वरी सरकार की सदा ही जय जयकार हो। सभी भक्तों को राधे राधे और पाप मोचन एकादशी की सभी को मंगल में बधाई हो, क्योंकि बरसाना धाम में आज एकादशी मनाई जा रही है। मोस्टली जो ब्रजवासी हैं वे आज व्रत रख रहे हैं। महल में तो कोई ऐसी एकादशी नहीं होती, लेकिन बरसाना धाम की अगर हम बात करें तो आज के दिन 75% भक्तगण ब्रजवासी एकादशी का व्रत रख रहे हैं। तो आप सभी आनंद लीजिए, राधे राधे बोलते रहिए और लाइव को शेयर करते रहिए, और एक बार आप संपूर्ण महल के दर्शनों का आनंद लीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से ही सही हम श्री जी की ध्वजाओं के दर्शन करते हैं। उन ध्वजाओं से ही हमें लाडली जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वभान दुलारी की, आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। एकादशी का ऐसा पावन पर्व होता है कि इस दिन हमें सभी ब्रजवासियों के, ब्रज संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप सभी राधे राधे बोलते रहिए और जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, ताकि राधा नाम का प्रचार हम और भी जगह और भी भक्तों को जोड़ सके, शेयर कर सके, क्योंकि राधा रानी ही हमें वो शक्ति प्रदान करेंगी। हर बार मैं इसी बात को कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। तो सच में आज का नज़ारा आप देख सकते हैं, श्री जी के महलों में हमें ब्रज गोपियों के ब्रजवासियों के ऐसी ऐसी वृद्ध अम्माओं के भी दर्शन होते हैं जो पूरी परिक्रमा लगाकर आती हैं। देखिए ये सब ब्रज के आसपास के ब्रज सखियों के गांव के लोग हैं, ऐसी अवस्था में भी लाडली जू की परिक्रमा देते हैं। आज आप देख रहे होंगे माहौल एकादशी का बना हुआ है, कल और आज में बहुत सारा डिफरेंट है। कल इतने ब्रजवासी नहीं थे, ये तो मैं आपको पहले ही कहता हूँ, जब ब्रजवासियों की और ऐसे संतों की दर्शन अगर हम होते हैं तो एकादशी उसी दिन हम मानते हैं। वैसे तो एकादशी मैंने कल भी कहा था कि आज ही मनाई जाएगी, वही हमें देखने को मिल रही है। तो सभी को राधे राधे, लाडली लाल की जय हो, विश्वभान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। आप सभी यहीं से श्री जी की सखियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। हमारी राधा रानी की प्रिय सखी ललिता सखी और हमारे ठाकुर जी की प्रिय सखी विशाखा सखी, और सही बताऊं दोनों में बड़ा कंपटीशन हो, वैसे रहे तो दोनों राधा रानी की तरफ है, लेकिन ठाकुर जी कई बार तो ऐसे कह देते, क्यों नहीं सखी एक बात बता, तू रहे मेरी तरफ है ता बाकी तरफ, बोले कहती मतलब कि रहती तो मेरे पास, मतलब कि सखी तो राधा रानी की है, और ललिता सखी तो इतनी चतुर और चालाक सखी होती थी कि ठाकुर जी को हर बार पकड़ती। 10 बार अगर मिलने के लिए आते तो 10 बार ललिता सखी उनको पकड़ती थी, इतनी तेज और चतुर चालाक सखियों में से एक थी हमारी ललिता सखी। विशाखा सखी फिर भी कभी जभी, विशाखा जी फिर भी कभी जभी मेहरबान हो जाती थी ठाकुर जी पर, कि अरे प्यारे आप आए हो, इतनी हर बार आप मिलने के काजे आए, चलो मिल लो हमारी राधा रानी। लेकिन ललिता सखी थे बस, वो इनकी नज़रों से बचना तो बड़ा मुश्किल था, बच ही नहीं पाते थे हमारे ठाकुर जी। वो तो उनकी चाल को, वो उनकी बंसी को, वो उनकी लचक को, हर चीज़ को पहचान लेती थी। कैसे भी करें, मनिहारे बने, कभी साड़ी पहने, चूड़ी बेचें, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी चाल, उनकी बंसी, कभी उनकी लचक, हर चीज़ की उन्हें पता थी। दूर से बता देते, अरे ये तो कारो सांबरो आए हो, राधा रानी से मिलवे के काजे आए हो। तो ललिता जी से बचना बड़ा ही मुश्किल था। तो आप सभी यहाँ आनंद लीजिए, राधे राधे बोलते रहिए, विश्वभान लली के गुण गाते रहिए, जय हो मेरी राधा रानी की। और आप सभी यहाँ तुलसी माता के श्री चरणों में एक बार अरदास लगाइए, तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी,
यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता, हम सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को बरसाना धाम बुलाती रहना, जय हो मेरी तुलसी माता, जय हो मेरी तुलसी माता। और जैसा कि कल रात को मैंने चमत्कार शेयर नहीं कर पाया था, रात में मैं चमत्कार शेयर नहीं कर पाया था, आज टाइम है मेरे पास तो आज मैं ज़रूर चमत्कार शेयर करूंगा कि कैसे गौ माता ने सहारनपुर वाली जो भक्त हैं उनके जीवन में वह चमत्कार किया और एक वर्ष तक वह परेशान रहीं, उसको उन्होंने बहुत चंद समय में ही पूरा कर दिया गौ माता ने। और श्री जी के महलों में वह नित्य प्रति अपनी हाजिरी लगाती थी और जल्द ही उनकी यह मनोकामनाएँ पूरी हुई। तो आप सभी यह आनंद लीजिए, राधे राधे बोलिए ना, विस्वान लली के गुण गाते रहिए, जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विस्वान दुलारी की। और सभी श्री जी की पोशाक का कलर भी शेयर करते रहो भाई, कि हम ही बताएंगे रोजीना, रोजीना तुम ही बताओ, तुम ही बताते रहोगे, कबो जबो तो खुद ही कहते करो, आनंद लेते रहो कि ब्रश को आनंद है। ये बरसाने की लीला मत समझो गुड़ को चीला, ये बरसाने की लीला मत समझो गुरु को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, या में ऋषि मुनि गए हार, रटें जा राधे राधे। देखिए इन लीलाओं को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब इन लीलाओं को समझने के लिए ऋषि मुनि तक हार गए तो भैया हम कौन हैं जो इन लीला ने जान पाएंगे। हम तो बस तुच्छ भक्त हैं जो थोड़ी बहुत श्री जी की लीलाओं के साथ जुड़े रहते हैं, आनंद पाते हैं, और बस यही हम कहते हैं कि राधा नाम परम सुखदाई, राधा रानी के नाम लेने से ही हमारे जीवन में, राधा रानी के जीवन में आपको चमत्कार मिल सकते हैं। सभी नेहा जी कहती हैं येलो कलर, सुमन जी येलो, वंदना जी वाइट, सभी आनंद लेते रहिए, शेयर करते रहिए। निधि जी कहती हैं वाइट एंड येलो, यहाँ आप सभी गौ माता के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए, राधे राधे बोलते रहिए, विस्वान लली के गुण गाते रहिए, जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो लड्डू गोपाल की, सदा ही जय हो। तो सभी आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारी लाडली किशोरी जी ने रेड कलर की पोशाक पहन रखी है, किशोरी जी ने आज रेड कलर की पोशाक पहन रखी है, और आज हमें ऐसे ऐसे ब्रज रसिकों के और हमारे गोस्वामी जी को के भी दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। सभी राधे राधे बोलते रहिए और शेयर करते रहिए, आनंद लेते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन श्री जी अवश्य आपके ऊपर आपके जीवन में कृपा करेंगी। और राधे राधे बोलिए ना, और यहाँ आप सभी हमारे स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेकिए, जय हो मेरे स्वामी जी महाराज की, जय हो। हम यहीं से मानसिक रूप से ही ये आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस तीन लोक में ना है। आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। अनुदीप जी कहती है GOMG बिल्कुल रेड कलर है, आज एकादशी का दिन है, डार्क कलर की पोशाक हमारी श्री जी ने पहन रखी है, और आज एकादशी के दिन जो गोस्वामी जनों की जो परिवार की जो सेवाओं का जो टर्न होता है, वैसे मैं आपको बता दूं वह एकादशी के दिन ही टर्न चेंज होता रहता है, मोस्टली जो सेवाएं चेंज होती हैं वो एकादशी के दिन होती हैं। आज फिर से चेंज हो जाएगी सेवा एक महीने के लिए, आज एकादशी से सीधा एकादशी तक सेवा चेंज होगी। अब जैसा कि आज आप जो पुजारी जी देख रहे हैं वह पुजारी जी कल आपको नहीं देखेंगे, और श्री जी की पोशाक आप देख सकते हैं, रेड कलर की पोशाक है हमारी लाडली जी की, रेड कलर की पोशाक है जिसमें सिल्वर कलर का गोटा है, प्यारे से फूलों की पत्तियों की डिजाइन है, आ हा 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 कैसा अद्भुत श्रृंगार है लाडली जी का, श्री जी के मुखारविंद के दर्शन है, अद्भुत श्रृंगार है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कल भी मैसेज आए थे, नाम तो खैर नहीं ले रहा, कल भी मैसेज थे कि भैया आप जब चमत्कार के बारे में बोला करो ना तो उसे साथ ही साथ उसी दिन क्लियर कर दिया करो, क्योंकि हमारे अंदर तड़प होती है यह जानने की कि लाडली जी ने कैसे चमत्कार किया, गौ माता ने कैसे चमत्कार किया, ये तड़प होती है उन भक्तों के मन में। तो कहते हैं कि भैया आप संग ही संग शेयर करे करो, हमें इतना बेचैन मत करे करो, क्योंकि एकदम वैसे ही बेचैन रहे श्री जी के महल के दर्शन के कारण, ऊपर से तुम और कह दो कि एक चमत्कार हुआ,
फिर बाकी बात तो ऐसा लगे कि कब लाइव पूरा हो, चाहे एंड में क्यों ना हो, लास्ट में चमत्कार तो शेयर होगा, उसके लिए हम पूरा लाइव देखते हैं। तो मैंने कि टाइम का थोड़ा प्रभाव अभाव रहता है इसलिए नहीं कर पाता, लेकिन आज समय है तो मैं आपको बता दूं कि एक सहारनपुर की भक्त हैं, नाम शायद मैं भूल गया हूं क्योंकि देखिए बहुत सारी कॉल्स आती हैं, सहारनपुर से हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो भी लाइव देख रही होंगी। तो वह पिछले एक वर्ष से अपने बेटे के लिए बहुरानी ढूंढ रही थी, कई जगह से रिश्ता आता और टूट जाता था, बहुत परेशान रहती थी अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन कुछ टाइम से, महीने दो महीने से हमारे लाइव से जुड़ी थी और लाइव से जुड़ने के बाद वह नित्य प्रति गौ माता से अर्जी करती थी, गौ माता से अरदास करती थी कि हे गौ माता, मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा परिवार मिले जिससे उसे सुख शांति मिले और हमारा परिवार आनंद में रहे। लेकिन वह नित्य प्रति कहती थी, और जब वो कहती थी और जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती थी तो मन में एक ये रहता था कि गौ माता भी नहीं सुन रही है। लेकिन जब हम कहते हैं ना, आज नहीं तो कल देगी राधा रानी फल देगी, राधा रानी जो फल देंगी वो बहुत अच्छा फल देंगी, जो फल देंगी वो बहुत अच्छा ही फल देंगे। तो हुआ भी ऐसा ही था कि कल या परसों के दिन उनके बेटे की शादी तय हुई, और उनकी बेटे की शादी 30 अप्रैल की है। तो उन्होंने जो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो सबसे पहले मुझे शेयर की और कहने लगी कि भैया, मैं सबसे पहला कार्ड लाडली जी के चरणों में चढ़ाऊंगी, और सच में मेरे जीवन में फिर से खुशी आई है। और जो है, जो लड़की वाले हैं, जो बहु रानी का जो पक्ष है, वह परिवार इतना अच्छा है, इतना अच्छा परिवार मिला, तो वह इस बात को लेकर प्रसन्न है कि चाहे देरी से सही लेकिन परिवार बहुत अच्छा मिला। अब उनके जीवन में फिर से वो हंसी लौट कर आई है, क्योंकि गौ माता ने और श्री जी के महलों के दर्शन से, नित्य प्रति अरदास करने से उनके जीवन में खुशहाली लौट कर आई है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल देगी राधा रानी फल देंगी, राधा रानी अवश्य कृपा करेंगी। लेकिन देखिए, दिन में थोड़ा देर हो सकता है, दिन में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं होने देंगी। दिन देरी है पर अंधेरी नहीं है, दिन थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन लाडली जू की ऐसी कृपा है, कभी जीवन में अंधेरा नहीं आने देंगी। अगर हम सच्चे हृदय से लाडली जू के श्री चरणों में हम अरदास लगाएंगे ना, तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरी राधा रानी परिवार के सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि मेरी राधा रानी हम सबके साथ में है, हम सबके साथ में है। जीवन में श्री जी कभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखेगी, अगर हम सच्चे हृदय से और विश्वास के साथ लाडली जू से अरदास करेंगे। करके देखिए मेरे प्यारों, आनंद आएगा जीवन में। मीनाक्षी जी, राधे राधे, मीनाक्षी गुप्ता जी राधे राधे, सुमन चौहान जी राधे राधे, दुबे रनावत जी राधे, तौली जी देवू रनावत जी, वंदना शर्मा जी सभी को राधे राधे, नेहा गोयल जी राधे राधे, प्रियंका गुप्ता जी राधे राधे, रितिका जी राधे राधे, जितेंद्र गुप्ता जी राधे राधे, निशा राजपूत जी राधे राधे, पूनम जी राधे राधे, पूनम शर्मा जी राधे राधे, हरदासी जी गुप्ता जी राधे राधे, दिव्यांश राजपूत जी, सुमन बंसल जी, पूजा सेठी जी, प्रीति चौधरी जी, पूनम सूद जी, मीनाक्षी त्यागी जी, राधे तौली जी, बीना जी, निर्मला बत्रा जी, बबीता वशिष्ठ जी, कुमार मोदी जी, अमित कुमार जी, रेणु सिंह जी, श्वेता गुप्ता जी, ममता सुयाल जी, अमिता कुमारी जी, हर्ष गर्ग जी राधे राधे, राधे श्याम जी, राजवीर जी, राहुल स्वामी छाबरा जी, जूही गोयल जी, सुनील सुमन जी, बिमलेश सिंह जी, मृदु गर्ग जी, वर्षा छाबरा जी, निधि चोपड़ा जी, सिमरन गोसाई जी, यादव प्रेम जी, कमलेश व्यास जी, संदीप जी राधे राधे, आयुषी जी राधे राधे, रजनी नरेश जी, अनुगोयल जी, सुमन चौहान जी, मानव जी राधे राधे, सुरभि गुप्ता जी, अनुजा जी राधे राधे, हरिदासी जी, रिया गुप्ता जी, इंदु सैनी जी, बबीता अरोरा जी, सुमन कपूर जी, नितिन पी जी, बबली प्रताप जी, सभी लाइव शेयर करते रहिए, आनंद लेते रहिए। मनीषा गुज्जर जी, अंजू चौधरी जी, श्री जी सखी जी, पूनम गौरव वर्मा जी, मुस्कान तनेजा जी, हिमांशी सुमन जी, प्रीति शर्मा जी, रितु टंडन जी, मिथिलेश यादव जी, राधे दीपक दीपका जी, राजकुमारी भाटी जी, भानु राजपूत जी, दिव्यांशी दो जी, रामोना अजय चौहान जी, सीमा बिंदल जी, आस्था अंकित गुप्ता जी, अनप्रीत शर्मा जी, सुनीता सक्सेना जी, आयुषी वर्मा जी, भावना जुनेजा जी, वंदना जी, रिद्धि खेरा जी, राधे कृष्ण जी, बबीता वशिष्ठ जी, दिव्यांश राजपूत जी, GSD सागर अरियाल सागर जी, बबीता शर्मा जी, राधे कृष्ण जी, गुड्डी पांडे जी, दीपाली शर्मा जी, बीना वर्मा जी, प्रेम
जी, राधे राधे ज्योति वर्मा जी, राधे राधे अनु शर्मा जी, राधे राधे सविता कौशिक जी, राधे राधे नीता जुनेजा जी, राधे राधे राखी जी, राधे राधे रेखा भारद्वाज जी, रीता जी, राधे राधे मौसमी जी, ममता रानी जी, राधे रानी जी, अंशु माथुर जी, उमा अरोड़ा जी, ममता पटोर जी, देवू रनावत जी, सभी को राधे राधे लाडली लाल की जय हो। राधे राधे विश्वान दुलार की जय हो। एकता भटनागर जी, भूमिका जय प्रकाश जी, पवित्र सिंह जी, लाडली जी, सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी को बरसाना धाम बुलाती रहें। जय हो मेरी राधा रानी की। चारू शर्मा जी, राधे राधे स्विंकी जी, राधे राधे सुभि गुप्ता जी, राधे राधे मोनिका कटारिया जी, राधे राधे प्रीति मोहित जी, राधे राधे और मोनाक्षी विपिन जिंदल जी, सभी को राधे राधे। और आज शाम का भी मैं आपको चमत्कार बता दूं कि हमारे परिवार के एक भक्त हैं, तो पति पत्नी है, उन्होंने मुझे जब शेयर किया तो उनके जो पति थे वो इतने क्रोध में या फिर अपनी अपने इच्छाओं में अपनी प्रसन्नता में डूबे रहते थे, तो वह अपनी पत्नी को कभी भी अपने घर नहीं जाने देते थे। मतलब वो अपनी जिद के कारण उन्होंने अपने ससुराल वालों के नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में कर रखे थे। इस तरह से वे रहते थे, चिड़चिड़ाहट रहते थे, लेकिन जब हमारे परिवार से जुड़े तो यह सारा जो वाक्य है मैं आज आपको रात को शेयर करूंगा कि कैसे हमारे श्री जी के महल में एक कृपा हुई। और एक मुझे देखिए एक बहुत ही प्यारे से सामने ललिता सखी के पास एक गोपाल जी के दर्शन हुए हैं। मैं आपको जूम करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि कितने सुंदर लग रहे हैं वह गोपाल जी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गोपाल जी, जो ललिता सखी के बराबर में बैठे हैं। सुचेता शर्मा जी, राधे राधे, कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। सक्षम जी, राधे राधे। सालू जी, राधे राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे लाडली लाल की जय हो। रीता सहगल जी, राधे राधे। और चलिए अब हम अपना लाइव ब्राफ करते हैं और रात्रि 8:15 फिर से जुड़ते हैं। जुड़े रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा। और प्रातःकाल दिन की शुरुआत भी श्री जी के महलों से कीजिएगा और रात्रि में सोते टाइम भी श्री जी के महलों से जुड़िएगा। सभी को प्यार भरी राधे 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 श्याम श्री लाडी लाल विजयते राम विश्वान दुलारी की जय हो। आज का आनंद की जय हो। ऐसे ऐसे ब्रजवासी जो होते हैं वो एक नहीं दो दो मालाओं को पहनकर अपने घरों में जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि आज हम लाडली जी के महलों में दर्शन करके आए हैं। बहुत ज़्यादा ब्रजवासियों के मन में इच्छा होती है, पुजारी से जबरदस्ती माला लेकर जाते हैं, पुजारी माला तो दे दे, का करेगा इन माला को, ऐसे भाव होते हैं ब्रजवासियों को, है माला तो दे दे, का करेगा इतनी माला पड़ी है, एक एक माला दे दे, चनोरी दे दे, प्रसाद दे दे। ब्रजवासियों की लीलाएं अद्भुत, राधे राधे बोलते रहिए। आप लोगों से निवेदन है, हमारे परिवार के आप दर्शन कर चुके हैं, अब मंदिर प्रसाद से पीने जा रहे हैं। राधे राधे श्याम, आपको आराम करना है, बैठना है तो नीचे हॉल में जाकर बैठिए। जय हो आज के आनंद, ये आपकी सुविधा के लिए बना हुआ है, नीचे हॉल बनाया जो आपके लिए ही बनाया है। आप लोग आराम से आराम करो, आराम से बैठे रहिए। लाडली लाल विजयते राम विश्वान दुलारी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो बरसाना धाम की सदा ही जय जयकार। और जो रस बरस रहे बरसाने, वो रस तीन लोग